मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लड़कियों को बनाया बंधक, कई बार किया रेप। बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लड़कियों से यौन शोषण करने का मामला प्रकाशमय है। मुजफ्फरपुर में DVR यूनिक मार्केटिंग कंपनी पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नौकरी देने का पोस्ट डाल रहा था, फिर बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी के नाम पर झांसा नाम पर फंसा कर कंपनी के कर्मी उसके साथ यौन शोषण करते थे। इस दौरान कुछ लड़की अगर उनका विरोध करती तो उसे बेर में से पीटा जाता था, जिसकी कई वीडियो भी वायरल हुआ था। उक्त मामले में लड़की लोगों ने मुजफ्फरपुर में शिकायत दर्ज किया है। वहीं पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि उक्त शिकायत मिली है, बारीकी से जांच की जा रही है। उक्त चिटफंड कंपनी के विरुद्ध सबूत मिलने के उपरांत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी 2 तारीख को एक केस रजिस्टर हुआ है, जिसमें DVR यूनिक कंपनी के बारे में बात संज्ञान में आई है कि उनके द्वारा कुछ लड़के और लड़कियों को यहाँ पे बंधक की तरह बना के काम करवाया जा रहा था और हरासमेंट की बात सामने आई है। उसी की जांच के संबंध में आज वादिनी को यहाँ पे बुलाया गया था और उनका बयान लिया गया है। और उस बयान में सामने आया है कि ये 2022 से ये कंपनी यहाँ पे कार्यरत है और 2022 से ये यहाँ पे इस कंपनी से जुड़ी हुई थी और इस कंपनी के लिए वो काम कर रही थी, जिसमें करीब 50 लोगों को इन्होंने कंपनी में जोड़ने का भी काम किया है। और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह से चलती है, जहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये लोग एक दूसरे को जोड़ते हैं कंपनी में और उस बेसिस पे एक तरह से फर्जीवाड़ा करके और झांसा देके लोगों को प्रोडक्ट बेचने के नाम पे अपना जो इनका एस्टैब्लिशमेंट है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जो वादिनी है उनके द्वारा भी बताया गया कि उनके साथ हरासमेंट की बात भी सामने आई है, लेकिन उन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि उन्होंने उस कंसर्न पर्सन से शादी भी की है और डॉक्यूमेंट उसका नहीं होने के वजह से उन पे दबाव भी बनाया जा रहा था कि पंचायती में वो उस शादी को लड़का उनसे शादी करे ऑन पेपर, उस चीज़ के लिए वो कर भी गई थी। तो बहुत सारी बातें इसमें सामने आ रही हैं। तो इसमें क्योंकि मामला पुराना है और इन्होंने कभी लास्ट 2 वर्ष में ये अलग अलग ज़िलों में गई हैं, अलग अलग कंपनी के मेंबर्स से मिली हैं, बातचीत की हैं, बट पुलिस के सामने उन्होंने ये मैटर संज्ञान में लाया नहीं कभी। और पूर्व में जो एक केस हुआ था जिसके वादी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने भी इस केस मई 2023 में इस संबंध में एक केस रजिस्टर कराया था, जिसमें काफ़ी सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। तो अभी हम लोग इसकी गहनता से जाँच कर रहे हैं। जो अभी केस रजिस्टर हुआ है उसमें वादिनी के बयान पर जितनी सारी एंगल्स इस केस में उभर के आई हैं उन सभी पे जांच हो रही है। कंपनी के विषय में भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और सदर थाना में भी पिछले वर्ष इसके इस संबंध में कुछ केस रजिस्टर हुआ है। तो सभी को एक तरह से कंसोलिडेट करते हुए जांच हो रही है और जो भी इसमें अग्रतर अनुसंधान में आएगा वो आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल कंपनी में कुछ मिला है? यहाँ पे कुछ लोग हमें मिले हैं जो कंपनी के लिए काम करते हैं, बट आगे अभी और अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि कंपनी किस तरह से कार्यरत है, किस रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतर्गत ये कार्य कर रही है, रजिस्टर्ड है कि नहीं, और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग अनुसंधान करेंगे और उसमें जो भी वादिनी के द्वारा आरोप लगाया गया है उस बात की भी पुष्टि की जाएगी कि वो सही है कि नहीं।